गामी जी, आपने कानून हाथ में क्यों लिया भैया? ये सारी ये चीजें आप पुलिस वाले भी आप प्रचार करवाएंगे सर? आप मुझे बताइए सर, ये क्या है? मुझे कानून सब आप पैसा बंटवा रहे हैं, खुले हम पैसा बंटवा रहे हैं, ये पैसा पुलिस वाले भी मिले हुए भैया, पैसा बंटवा रहे हैं। ये देखिए सारे, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और यूट्यूब के वीडियो में। खबर है उत्तराखंड से, यानी कि विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक एक दिन पहले, यानी कि चुनाव है कल 14 फरवरी को, और खबर है आज की। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी अपने चुनावी क्षेत्र में यानी कि खटीमा में शाम के वक्त लोगों को नोट बांटते दिखे। इस तरह का उनका एक वीडियो बना, उन्होंने कहा कि भाई ये वीडियो नहीं बनाओ, इसको बंद करो। पूरे लाहौर लश्कर के साथ, पूरे पुलिस अमले के साथ वो वहाँ मौजूद थे। जैसे स्कलेर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से भी उन्होंने शाया किया है। ये वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा। इस बीच पुलिस की मौजूदगी में कुछ समर्थक थे, उनके बीच काफ़ी तेज की नोकझोंक हुई। बहरहाल आप देखें कि कल चुनाव है और आज शाम को जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। साम दाम दंड भेद किसी तरह भी बस सप्ताह आ जाना चाहिए, किसी तरह से भी, चाहे वो ईवीएम के जरिए हो, फर्जी वोट वाला हो। पहले ही सब काम छुड़वैया नेता करते थे, शराब पैसे वैसे का। आज आपके सामने देखें, सीएम महोदय खुद ये सब कर रहे हैं। नहीं है धामी जी तो और बताइए, एक बंद नहीं, एक नहीं होगा, फिर ऐसे नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं करो, कैमरा नहीं बंद होगा, लाइव चल रहा है। धामी जी आपने कानून हाथ में क्यों लिया भैया? ये सारी ये चीजें आप पुलिस वाले भी आप प्रचार करवाएंगे सर? आप मुझे बताइए सर, ये क्या है? मुझे कानून सबके सर, कानून सबके लिए बराबर नहीं है सर? आप बताइए मेरी ये क्या बदतमीजी हो रही है? ठीक, क्या प्रचार आप क्या कर रहे हैं इनके साथ? डोर पर डोर नहीं हो रहा है, ये डोर पर डोर नहीं हो रहा है, आप पैसा बंटवा रहे हैं, खुले हम पैसा बंटवा रहे हैं, ये पैसा पुलिस वाले भी मिले हुए भैया, पैसा बंटवा रहे हैं। ये देखिए सारे, एक दूसरा वीडियो दिखाता हूँ, ये भी वहीं का वीडियो है। देखिए किस तरह से शराब परोसी जा रही है कि आप पियो और फिर हमें वोट दो, ये नहीं कि इसका भी भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। दारू खरीदी लेकिन बीजेपी दारू सप्लाई कर रही है, ये फिर रहे हाथ दारू सप्लाई, और कुछ नहीं बचा हुआ बीजेपी वाले दारू सप्लाई। बीजेपी गाड़ी, अरे गाड़ी भर रही है। खबर है कर्नाटक से, कर्नाटक में कल से 19 तारीख तक के लिए स्कूल के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई, यानी कि 5 लोगों से ज़्यादा नहीं इकट्ठे हो सकेंगे और किसी तरह के कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी अब नहीं होंगे जब तक इस नतीजे पर यानी कि कोई सॉल्यूशन इस मसले का नहीं निकलता। भारत संजय सिंह की एक स्पीच के जो उन्होंने वाट लगाई है, जो उन्होंने क्लास लगाई है, जो लोग जिहाद का विरोध कर रहे हैं, जो लोग हिजाब का विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में संजय सिंह की एक छोटी सी बाइट में आपको चाहूंगा कि आप लोग सुन के जाएं। इस वीडियो में इतना ही। 90 साल तक भाजपाइयों ने हाफ पैंट पहना, किसी ने नहीं रोका। 90 साल के बाद उन्होंने तय किया अब हम हाफ पैंट नहीं पहनेंगे, फुल पैंट पहने, हमारी मर्जी है, किसी ने मना किया? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, कोई मुद्दा नहीं। अभी 3 दिन से क्या शुरू किया है? हिजाब, हिजाब, हिजाब शुरू किया? नहीं किया है, किया है ना? बहुत पहले मैंने गाना सुना था, निकलो ना तुम बेनकाब, जमाना खराब है। सुना नहीं सुना है? और भाजपाई क्या कर रहे हैं? नकाब पहन के बेटियां निकलेंगी तो हम उनके साथ छेड़खानी करेंगे। हिंदुओं की बेटियां भी नकाब पहन के, घूंघट निकाल के, पल्लू डाल के निकलती हैं। सिखों की भी बेटियां सर ढक कर निकलती हैं, ईसाइयों की भी बेटियां सर ढक कर निकलती हैं, दलितों की भी महिलाएं, बुजुर्ग बहुएं घूंघट निकाल कर निकलती हैं, पिछड़ों के भी घरों की माताएं बहने घूंघट निकाल कर निकलती हैं, बहुएं घूंघट निकाल कर निकलती हैं। भाजपाइयों, में तुमको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अपना कार्रवाई, अपना तरीका
अपना दिमाग बिल्कुल ठीक कर लो। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, हमारी बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। अगर हमारे दुश्मन की बेटी के साथ भी बदतमीजी करोगे, अगर उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करोगे, तो तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब देने का काम किया जाएगा।